हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेबी कैप लेकर आई हूँ। ये कैप मैंने 6 मंथ से लेकर 1 ईयर बेबी के लिए बनाई है। इस कैप में मैंने ये नीचे डोरी लगा के पोम पोम लगाए हुए हैं और ऊपर भी पोम पोम लगाया हुआ है। मैं आपको ये कैप बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये कैप जो है बनानी है। ये मैंने बॉर्डर जो है बना के रखा है। इसमें मैंने 92 फंदे लगाए हुए हैं। इस बॉर्डर में मैंने सारी लाइनें जो है नीचे की तरफ ही बनाई है, जो मैं आपको एक लाइन बना के बताती हूँ कि कैसे। पहला फंदा ऐसे ले लिया और फिर धागा नीचे की तरफ किया और फिर सारे फंदे हमने ऐसे नीचे की तरफ ही बनाने हैं, चाहे वो सीधी लाइन हो चाहे वो उल्टी की तरफ लाइन हो। दोनों तरफ की लाइनें हमने ऐसे नीचे नीचे ही कंप्लीट की हैं। ये हमारा जो है बॉर्डर जो है बन के कम्प्लीट हो गया है। इसमें मैंने पिंक कलर भी डाला हुआ है। 6 लाइन मैंने इस तरफ सीधी सीधी और 6 लाइन मैंने उल्टे की तरफ भी सीधी सीधी बनाई है। ये हमारी जो है पूरी 12 लाइन जो हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है बॉर्डर की। अब इसके ऊपर मैं आपको डिजाइन डालना बताऊँगी। पहला फंदा जो हमने ऐसे ले लिया और आगे का फंदा जो हमने उल्टा बनाया, 2, और ये तीसरा भी हमने ऐसे उल्टा बनाया। ये 3 फंदे हमारे जो हैं उल्टे हो गए। धागा फिर से नीचे किया और आगे के हमने 6 फंदे जो हैं सीधे बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब धागा ऊपर किया और आगे के 2, 4 फंदे हमने उल्टे बनाने। शुरू में हमने 3 फंदे उल्टे लिए थे, फिर 6 फंदे सीधे, फिर से हमने आगे 4 फंदे हमने उल्टे लेने। धागा नीचे किया, आगे फिर हमने 6 फंदे सीधे। धागा ऊपर किया, आगे 4 फंदे उल्टे। ऐसे ही हमने पूरी रो जो है कंप्लीट करनी है। ये हमारी फर्स्ट रो जो है डिजाइन की कंप्लीट होने वाली है। ये हमने 6 फंदे सीधे डाल लिए और लास्ट में फिर से हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे। जैसे हमने शुरू में यहाँ 3 फंदे उल्टे लिए थे, लास्ट में हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे। ये हमारे जो डिजाइन जो है सीधे की तरफ हमने फर्स्ट रो डाली है सीधे की तरफ, तो एक एक फंदा हमारा साइड से हमारा सिलने के लिए आ जाएगा। तो फिर हमारे 4 फंदे जब हम इसे सिलेंगे तो 4 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। अब हम उल्टे की तरफ मैं क्या करेंगे कि जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है उस फंदे को हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ हमने 3 फंदे उल्टे बनाए हैं, तो इस तरफ हमारे जो हैं ये 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो हम ये सीधे बनाएंगे 3 फंदे। 3 फंदे सीधे हो गए, धागा ऊपर किया। अब इस तरफ से हमारे ये 6 फंदे जो थे वो सीधे दिख रहे थे और अब इस तरफ से हमारे 6 फंदे जो हैं वो उल्टे दिख रहे हैं, तो ये हम 6 फंदे जो हैं हम उल्टे बनाएंगे। आपको उल्टी सिलाई में आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है तो आप उल्टा बनाएंगे और सीधा दिख रहा है तो आप सीधा कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपको रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब उल्टे की तरफ भी रो कंप्लीट हो गई है। जो फंदे हमें जैसे दिख रहे थे हमने वैसे कंप्लीट कर ली लाइन। अब फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं, तो फिर हम सीधे की तरफ वैसे ही जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। ये पहले 3 फंदे जो हमारे उल्टे आएंगे, धागा नीचे किया, फिर आगे के 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे। धागा फिर से ऊपर किया, फिर आगे 4 फंदे फिर हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे। धागा नीचे किया,
फिर से आगे हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे। ऐसे फिर से हमने ये रो कंप्लीट करनी है, 4 उल्टे 6 सीधे, 4 उल्टे 6 सीधे। ऐसे ही हमने 6 रो इस तरफ कंप्लीट करनी है और 6 रो इस तरफ कंप्लीट करनी है। मैं आपको 6 6 12 लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने अब 12 लाइन जो है कंप्लीट कर ली है, 6 लाइन इस तरफ और 6 लाइन इस तरफ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये पहले 3 फंदे जो हमारे उल्टे आए थे ये हमने ऐसे उल्टे ही बना लेने हैं। फिर हमारा धागा जो नीचे गया और फिर हमारे आगे 6 फंदे जो हमने सीधे बनाए ये हमने 3 फंदे ये आगे के 3 फंदे पहले हमने इस सिलाई में ले लेने हैं और फिर 3 फंदे हमने इस सिलाई में, फिर वापस ये फंदे फिर इसी सिलाई में डाल देने हैं। अब ये फंदे डालने के बाद फिर हम इन फंदों को ऐसा सीधा सीधा नीचे की तरफ बना लेंगे। ये हमने 6 फंदे जो हैं बना लिए, फिर से धागा ऊपर किया, फिर आगे के 4 फंदे जो उल्टे हैं वो हमने ऐसे ही उल्टे बनाने हैं। इन 4 फंदों का हमने कुछ नहीं करना है, ये सारे ऊपर तक हमने ऐसे ही उल्टे बनाते जाना है। धागा फिर से नीचे किया, आगे फिर हमने ये 6 फंदे निकाल के ऐसे आगे वाले 3 फंदे जो हमने इस सिलाई में भर लेने हैं और ये वाले फंदे इस सिलाई में, फिर वापस ये फंदे इसी में लेके इन फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। ये सारी रो हमने आगे तक ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। 7th रो ये धागा ऊपर किया, आगे के 4 फंदे फिर से उल्टे बनाए, इसमें कुछ नहीं किया, बस ये आगे के 3 फंदे हमने इस तरफ किए और इस तरफ के फंदे हमने इस तरफ किए और फिर हमने ऐसे सीधे सीधे बना लिए। ये मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ। 7th रो ये हमने डिजाइन जो है आगे तक डाल दिया है, पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारा जो है 6 लाइन जो ऐसे उल्टा और 4 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे, ऐसे हम 6 लाइन बनाएंगे। और 7th रो में हम ये उल्टे फंदे जो हम ऐसे उल्टे ही बनाएंगे और सीधे वाले हम 3 3 फंदे जो ऐसे 3 फंदे इधर के इधर लेकर जाएंगे और 3 फंदे इधर वाले जो है इधर लेकर जाएंगे और फिर हम इन्हें सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे ही हमने ऊपर तक कंप्लीट करते जाना है। ये 7th रो जो है डिजाइन की यही बार बार हम रिपीट करते जाएंगे और उल्टी साइड में हमें जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं, जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा और जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बनाएंगे। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ। पहले हमारे जो है 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं उल्टी साइड से, तो हम ये सीधे कंप्लीट करेंगे और फिर आगे हमारे 6 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही आगे तक ये रो कंप्लीट करनी है, को कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने उल्टी तरफ से रो कंप्लीट कर ली है और फिर से हम सीधे में आते हैं, तो फिर से हमारा ये डिजाइन जो है ये 7th लाइन जो है हमारी, ये फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारे 3 फंदे जो हैं उल्टे आएंगे,
धागा नीचे किया, फिर आगे के 6 फंदे फिर से सीधे, धागा ऊपर किया, फिर आगे के 4 फंदे मारे उल्टे, धागा नीचे किया, फिर से आगे के 6 फंदे सीधे। ऐसे ही हमने पूरी रो आगे तक फिर से ऐसे ही कंप्लीट करनी है, और ऐसे ही हमने 6 लाइनें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 4 उल्टे 6 सीधे और 4 उल्टे, ऐसे 6 लाइन कंप्लीट करनी है। और सेम रो में हमने ऐसे सीधे वाले फंदे जो है हमने ऐसे पलटा मारना है, 3 फंदों का हमने ऐसे, 3-3 फंदों का हमने ऐसे पलटा मारना है। ऐसे हमारा जो डिजाइन बनता जाएगा ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा अब डिजाइन जो है यहाँ तक बन के कम्प्लीट हो गया है, ये मैंने इतना सा बनाया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने फंदे जो हैं घटाने शुरू करने हैं। पहला फंदा ऐसे ले लिया, इस साइड के 3 फंदे हमने ऐसे उल्टे बना लिए, ये 6 फंदे जो हमने ऐसे सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए। धागा ऊपर किया, अब आगे के 4 फंदे जो हैं, इन 4 फंदों के हमने पहले 2 फंदों का हमने 1 फंदा बना लेना है, और फिर आगे के फंदे हमने 2 ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लिए, ये हमारे 3 फंदे रह गए उल्टे। धागा फिर से नीचे, 6 फंदे फिर से हमने ऐसे सीधे सीधे बनाए, फिर धागा ऊपर किया, और फिर आगे 2 फंदों का हमने 1 फंदा बनाया, और आगे के 2 फंदे हमने ऐसे बना लिए। ये हमारे 4 फंदे उल्टे थे, अब हमारे 3 फंदे उल्टे रह गए हैं। ऐसे ही हमने सारी लाइन जो कंप्लीट करनी है। ये हमारे रो अब कंप्लीट हो गई है, और उल्टी रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे वैसे हमने फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से हम सीधी की तरफ आते हैं, तो पहले ये 3 फंदे हमने ऐसे उल्टे उल्टे बना लिए, फिर धागा नीचे किया, और फिर आगे के 6 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए, धागा ऊपर किया, और फिर से हमारे पहले 4 फंदे थे, अब 3 बचे हैं, तो 3 का फिर हम पहले 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, और आगे का फंदा हमने ऐसे उल्टा बना लिए, तो हमारे अब 2 फंदे उल्टे बचे हैं। ऐसी सारी लाइन हम ये कंप्लीट करेंगे, और उल्टी की तरफ हमें जो फंदा जैसे दिखाई देगा वैसा ही बनाना है। अब फिर से हमारी सीधी और एक उल्टी रो जो कंप्लीट हो गई, फिर से हम सीधे में आते हैं, तो फिर से हमने पहले 3 फंदे जो ऐसे उल्टे उल्टे बना लिए, धागा नीचे किया, और फिर आगे के 6 फंदे हमने ऐसे सीधे सीधे बना लिए, धागा ऊपर किया, और अब हमारे 2 फंदे उल्टे बचे हैं, तो इन 2 फंदों का हमने 1 फंदा उल्टा बना लिया, धागा नीचे किया, आगे के 6 फंदे फिर से हमने नीचे की तरफ बनाए, धागा ऊपर किया, फिर आगे 2 फंदे हमारे उल्टे आए, तो इन 2 का हमने 1 फंदा उल्टा बना लिया, धागा नीचे, आगे फिर 6 फंदे सीधे। ऐसी पूरी रो हमने ये भी कंप्लीट करनी है। ये हमारी अब सीधी और एक उल्टी रो फिर से कंप्लीट हो गई। ये हमारे बीच में उल्टे फंदे हमारा 1-1 फंदा बचा है, ये हमारे ऐसे फंदे घटे हैं उल्टी साइड से। अब फिर से हम ये वाला डिजाइन ऊपर डालेंगे,
तो पहले हम तीन फंदे जो हमारे उल्टे आएंगे, ये तीन फंदे हमने इस तरफ डाल दिए और फिर वापस ये फंदे इसी में डाल के और ये फंदे हम ऐसे सीधे सीधे कंप्लीट कर लेंगे। और फिर धागा ऊपर किया और फिर एक फंदा हमारा जो है ये हमने उल्टा बनाया, फिर धागा नीचे किया। ये हम हमारे सिक्स फंदे जो हैं, हम इन सिक्स का थ्री फंदे बनाएंगे, ये दो का एक और फिर आगे दो फंदों का एक, फिर आगे हमने दो का एक बना लिया, धागा ऊपर किया और एक फंदा हमारा उल्टा है, ये हम उल्टा कंप्लीट कर लेंगे, धागा फिर से नीचे। ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ये सीधे हमारे सिक्स फंदे हैं, इनका हम दो का एक और दो का एक करते जाएंगे, यानी कि सिक्स के हम थ्री फंदे बनाएंगे और उल्टा हमारा फंदा जो है वो हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये फिर से हमारे सीधे की तरफ और उल्टे की तरफ रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम सीधे की तरफ पहले तीन फंदे जो हैं हम ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। और फिर आगे हमारे ये तीन फंदे सीधे हैं और एक उल्टा, ऐसे ही सारी लाइन में तीन सीधे एक उल्टा। तो हम क्या करेंगे, पहले धागा नीचे करेंगे और पहले दो फंदों का हम सीधे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। आगे हमारा एक सीधा और एक उल्टा है तो हम इनका भी सीधे की तरफ दो का एक फंदा बनाएंगे। आगे फिर हमारे सीधे तीन फंदे हैं तो पहले दो सीधे फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। आगे हमारा एक सीधा और एक उल्टा है तो इन दोनों का हम सीधे की तरफ दो का एक फंदा बनाएंगे। ये हमारे अब सारे फंदे सीधे बनते जा रहे हैं और दो का एक करते जा रहे हैं, दो दो फंदों का एक फंदा बनाते जा रहे हैं। ये सारी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी सीधी तरफ से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि पहले हम उल्टी रो जैसे फंदे दिख रहे थे वैसे कंप्लीट कर रहे थे, अब की बार हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, फिर आगे का फंदा हमने ऐसे एक उल्टा बनाया, फिर आगे दो फंदों का हमने एक फंदा बनाया, फिर आगे एक फंदा ऐसे बनाया, फिर आगे हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया। इस सारी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है, फिर से दो का एक किया, लास्ट में फिर हमने हमारे तीन फंदे आगे लास्ट में तो हम ये ऐसे उल्टे उल्टे बना लिए। अब ये हमारे फंदे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे हमारे बचे हैं तो इन फंदों को हम बंद कर देंगे। अब ये क्या करना है, हमने ये धागा काट लिया हमने इतना लंबा और इसमें हमने सुई डाल दी है और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फंदों को सुई में डालेंगे। ये हम दो बार जो है सुई डाल रहे हैं। हम ऐसे सिलाई को निकाल के इसको अच्छी तरह हम ऐसे पक्का कर लेंगे। यह अब हम इसको ऐसा उल्टा करके ऐसा पकड़ेंगे और इसकी यहां से लेके यहां तक इसकी सिलाई करेंगे। ये हमने अब जो है साइड से
सिल के कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, जो हमारा सिला हुआ है इसको हम ऐसे ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से ऐसे हम इसको सेंटर में रखेंगे, सिले हुए को ऐसे करेंगे और फिर हम दोनों साइड से बराबर बराबर फंदे जो उठाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं, ये प्रोसेस है जो हम फंदे उठाएंगे। तीन, चार, ये हमने 15 फंदे उठाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब इनको हम सिलाई में ले लेंगे। ये 15 फंदे हमने सिलाई में भरने के बाद जो हम इसको अब सीधे की तरफ हम ये हम सीधी सीधी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये 15 फंदे बनाने के बाद हम दूसरी तरफ भी हम उल्टी साइड से भी हम ये रो जो हम सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे। ये हमने दोनों साइड से, चाहे उल्टी साइड से हो या सीधी साइड से, हमने ये दोनों साइड से रो जो हमने नीचे की तरफ ही कंप्लीट करनी है। टू लाइंस मैंने इस तरफ सीधी सीधी बनाई और टू लाइन इस तरफ मैंने सीधी सीधी बनाई। अब इसके बाद क्या करना है कि पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और धागा जो है नीचे की तरफ किया और आगे के हमने दो फंदे एक साथ लेनी है, यानी कि दो फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है, बाकी सारे फंदे हमने ऐसे नीचे की तरफ कंप्लीट करने हैं। फिर हम सिलाई को पलटा मारेंगे और फिर हमने एक फंदा ऐसे ले लिया और फिर से हमने दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। ऐसे ही हर एक लाइन में हमने, जब लाइन हमने शुरू करनी है तो एक फंदा हमने ऐसे ले लेना है और आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। ऐसे क्या हमारे जो फंदे घटते जाएंगे और फिर आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा बनाया। ऐसे में ये आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। जब हमने लाइन जो शुरू करनी है तब एक फंदा ऐसे ले लेना और आगे के दो फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है।
ये हमारे अब फंदे जो हमने दोनों तरफ से घटाते गए और फिर लास्ट में हमारे चार फंदे बचे हैं। अब हम लास्ट में एक बार फिर से फंदा घटाएंगे तो हमारे तीन फंदे बचेंगे। एक फंदा ऐसे उतारा और फिर दो का एक किया, लास्ट फंदा ऐसे बना लिया। ये हमारे तीन फंदे बचे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये सिलाई निकाल लेनी है। जो हमारी सिलाई होती है गले वाली सिलाई, हमने ये इसमें डाल ली और फिर ये दोनों हमने ऐसी सिलाई लेनी है। और फिर हमने क्या करना है, ऐसे पलटा नहीं मारना है। अब ये धागा हमारा यहाँ है तो फिर हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। इसमें अब कोई हम फंदा जो है नहीं घटाएंगे। अब इसको ऐसे बनाते जाएंगे। अब इस सिलाई को हम ऐसे कट कर देंगे और फिर ये धागा हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर हम यहाँ से ऐसे बनाते जाएंगे। हम इसे कोई पलटा नहीं मारेंगे, बस हम इस सिलाई को ऐसे करते जाएंगे। ये हमारी ऐसी डोरी बन रही है। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। आप जितनी लंबी डोरी चाहे उतनी लंबी डोरी बना सकते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। मैंने ये कैप जो है कंप्लीट कर लिया है। नीचे मैंने पॉम पॉम लगा दिए हैं और ऊपर भी मैंने पॉम पॉम लगा के कंप्लीट कर दिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।